हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपनी फोटो को कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं। मतलब अपनी फोटो को कलर ग्रेड कैसे करें, तो इस वाले वीडियो में आप बहुत इजी तरीके से जानने वाले हो। तो इस वीडियो के लिए फटाफट से एक लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस, मैंने लाइट रूम में अपनी फोटो इंपोर्ट कर ली है, ठीक है। सबसे पहले आपको फोटो को क्रॉप कर लेना है, इंस्टा साइज 4.5 है, ठीक है, मतलब इंस्टा का साइज ये, यहाँ से राइट कर देना है। उसके बाद आपको लाइट्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है, उसका हल्का कॉन्ट्रास्ट कम कर देना है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट कम कर देने के बाद हाइलाइट्स को भी कम कर देना है 50 के आसपास, शैडो को भी हल्का इंक्रीज कर देना है, एंड वाइट्स को भी हल्का इंक्रीज कर देना है, एंड ब्लैक्स को हल्का कम कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद कलर वाले ऑप्शन पे चलेंगे, इसका वाइब्रेशन हल्का बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद कलर वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, मिक्स वाले, एंड अपने फोटो में ग्रीन है, मतलब ग्रीन है ना, तो ग्रीन कलर सिलेक्ट करके उसका सेचुरेशन पूरा कम कर देंगे। वैसे ही येलो का भी पकड़ के उसका भी सेचुरेशन पूरा डाउन कर देंगे, ठीक है। मतलब अपने ये वाली फोटो में अपने को डार्क ब्लैक टोन डालनी है, ठीक है। तो इतना देने के बाद सभी कलर का सेचुरेशन हम कम कर देंगे। इतना देने के बाद पहले वाला कलर लेंगे, मतलब रेड वाला, एंड स्किन के हिसाब से अपन कलर लगेंगे, ठीक है। सेचुरेशन को भी हल्का बढ़ा देंगे एंड ल्यूमिनेंस को भी हल्का बढ़ा देंगे। फिर सेकंड कलर लेंगे स्किन का, उसका भी मतलब 10 के आसपास कर देंगे, सेचुरेशन कम कर देंगे हल्का, एंड वाइब्रेशन हल्का बढ़ा देंगे, मतलब अपने स्किन में ब्राइट हो जाएगी, ठीक है, अपनी स्किन। इतना हो जाने के बाद यहाँ से डन कर देना है। ये हो जाने के बाद आपको मास्किंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अगर ये आपके पास मतलब ये प्रीमियम वर्जन नहीं है तो क्रोम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। प्लस वाले ऑप्शन पे चले जाना है एंड सिलेक्ट सब्जेक्ट कर देना है। ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो ये सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, इसको अभी इन्वर्ट कर देना है, ठीक है, बैकग्राउंड से। फिर लाइट्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है, उसका एक्सपोजर कम कर देना है, मतलब फोटो में मैच होना चाहिए ऐसे कर देना है, वरना एकदम ऐसे कर दोगे तो भद्दी सी लगेगी, ठीक है। तो ये कुछ इतना कुछ मैच हो रहा है, ठीक है। ये हो जाने के बाद उसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर देना हल्का 10 के आसपास, अभी ऐसे राइट कर देना है, ठीक है। फिर से मास्किंग वाले ऑप्शन चले जाना है, प्लस वाले ऑप्शन पे चले जाना है एंड रीडियन ग्रेडन लेना, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे करेंगे, इसका भी एक्सपोजर कम कर देंगे। इतना हो जाने के बाद यहाँ से राइट कर देंगे। फिर कलर वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे एंड हाइलाइट्स में चले जाएंगे, एंड हाइलाइट्स में कलर सिलेक्ट करके मतलब कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे जाके हाइलाइट्स वाला कलर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने फोटो में हाईलाइट डालेंगे, सेचुरेशन बढ़ा देना है आपको, एंड ह्यू देखना है अभी कौन सा अपनी फोटो में बेस्ट लगेगा। तो ये कुछ बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, मतलब अच्छा दिख रहा है। तो इतना रख दे, ये अपने फोटो के हिसाब से मतलब अच्छा दिख रहा है। ल्यूमिनेंस को भी हल्का इंक्रीज कर देंगे एंड शैडो वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे, उसका भी सेचुरेशन बढ़ा देंगे एंड शैडो में अपने फोटो के लिए कलर चूज करेंगे, ठीक है। तो अपने को ब्लैक टोन डालना है तो मतलब ये ही कुछ ब्लू के आसपास रख देंगे, सेचुरेशन कम कर देंगे एंड इसका वाइब्रेशन कम कर देंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद यहाँ से डन कर देना है। डन कर देने के बाद अपनी फ़ोटो में मतलब अभी अपने फेस पर लाइट नहीं आ रही, ठीक है, अच्छे से। तो फिर से मास्किंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है, प्लस वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ से अभी रेडियन ग्रेडियन लेना, ठीक है, अपनी फेस के ऊपर सर्कल कर देना है। अब यहाँ से उसकी लाइट मतलब एक्सपोजर हल्का बढ़ा देना है, ठीक है, डन, यहाँ से ऐड कर देना है। अभी आपको मतलब इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है एंड उसका क्लियरिटी हल्की इंक्रीज कर देनी है एंड उसका विग्नेट कम कर देना है। तो विग्नेट कम करते ही देखो फोटो में क्या ही एक जान आ रही है, ठीक है, एंड उसका फेदर फुल कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको
भी कुछ नहीं करना, यहाँ से शार्पिंग बढ़ानी है ठीक है, अपनी फ़ोटो की शार्पनेस बढ़ा लेनी है। एंड मास्किंग पकड़ के मतलब एक हाथ पकड़ के उसको भी मतलब बढ़ा देना है ठीक है। तो ये जो ये हो जाने के बाद यहाँ से रेड कर देना है एंड आपको कर्व वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे तीन डॉट करेंगे ठीक है, मतलब एक ये और एक ए और एक ये ठीक है। अभी नीचे से आपको ऊपर की साइड कर लेना है, मतलब अपनी फ़ोटो में फेड डालेंगे ठीक है। ये हो जाने के बाद ब्लू वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और ऊपर से नीचे की साइड ले आएंगे ठीक है, मतलब एक सनसेट वाला टोन आ जाए अपनी फ़ोटो में। डन है। यहाँ से फिर से मास्किंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है, प्लस वाले ऑप्शन पे चले जाना है एंड ग्रेडिएंट ग्रेडिएंट लेना ठीक है। यहाँ से ऊपर से लाइन एक ड्रॉ करेंगे ठीक है, मतलब अपनी फेस पर आ रही कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्सपोजर बढ़ा देना है एंड आपका क्लियरिटी कम कर देनी है एंड डिग्रेज को भी हल्का कम कर देना है एंड इधर से सेचुरेशन को बढ़ा देना है, मतलब एक रेड टोन वाइब आ जाए अपनी फ़ोटो में ठीक है, सनसेट वाली। तो इतना हो जाने के बाद डन है। सो गाइस अपनी फ़ोटो एडिट हो चुकी है ठीक है, ये देखो बिफोर एंड आफ्टर, ज़मीन आसमान का फर्क है गाइस ठीक है। तो अभी ये वाली फ़ोटो में अपनी फ़ोटो को स्किन को मतलब स्मूथ नहीं करा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वीडियो जाके देख लेना, उधर भी स्मूथ करके मतलब एक वीडियो अपलोड कर दिए मैंने मतलब अपने यूट्यूब पे ठीक है। तो ये वीडियो हो जाने के बाद जाके देख लेना। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताओ और आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना ठीक है। गाइस मिलती है एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।